नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करेंगे डोर स्विच के बारे में। तो इन केस अगर आपका ये डोर स्विच है ये ख़राब हो जाए, जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके दबाऊंगा तो वहाँ पे ऊपर लाइट जलती रहेगी जबकि ये लाइट ऑफ होनी चाहिए। तो एक तो मैं इसको चेंज करूँगा और दूसरी बात कि इसका जो कवर है वो यहाँ पे मिस हो चुका है। तो मैंने सोचा कि कवर तो मुझे वो इसका जो रबर का कवर है वो तो मिलेगा नहीं, तो मैंने पूरा स्विच लेके आया हूँ जो मारुति का मिल जाता है। ये अप्रॉक्सीमेट जो कॉस्ट है वो 55 रुपये। और मारुति की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको चाइल्ड पार्ट मिल जाते हैं, तो जिसके कारण आपको पूरा चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ती, छोटी छोटी चीज़ें आपको इसकी मिल जाती हैं। तो अब इसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे नट है इसको खोलना पड़ेगा और ये निकाल के नया लगाना पड़ेगा। तो हम इसको अब खोलते हैं। तो ये भी जो नट है इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे, खोलेंगे और ये जो नया वाला है इसको मैं साइड रख देता हूँ। इसको मैंने ये निकाल दिया यहाँ से और ये निकल गया। अब जो केबल है आपको यहाँ से ओपन करके इसको बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक लॉक होता है, ये निकल गया है, ठीक है। ये मैं पीस साइड में रख देता हूँ और ये जो है इसके साथ फिट कर देता हूँ। अब थोड़ा सा आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि ये केबल बहुत पतली है और ये अंदर नहीं जानी चाहिए, तो इसको आप पकड़ के रखें और ये नए वाले डोर स्विच के साथ फिट कर दें। अब ये अंदर चले जाएगा और ये फिट हो जाएगा। इसका रबर मैं सिर्फ इतना निकालूंगा और इसको नट टाइट करने के लिए, तो मैं यहाँ जो रबर है, एक चीज़ और यहाँ पे फायदा है आपको कि आपको पुराना नट लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे जो मिला था पुराना वाला जो नट था वो सिल्वर कलर का था, ठीक है। इसमें यहाँ पे ब्लैक कलर का है, तो ये जो इसके साथ जो नट आया है मैं वही इसके साथ टाइट कर देता हूँ। ये मैंने नट टाइट कर दिया और रबर का कवर मैंने इसके ऊपर लगा दिया। ये कवर इसके पूरे प्लास्टिक के ऊपर स्लॉट में जाना चाहिए, वरना ये कवर जो है रबर का दोबारा फिर निकल जाएगा। ये हमने फिट कर दिया। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये स्विच चेंज हो गया, अब ये काम भी कर रहा है। अब देखिए वहाँ पे लाइट ऑफ हो जाएगी। मैं यहाँ से स्विच छोड़ता हूँ, ये ऑन हो जाएगी और यहाँ से ऑफ करता हूँ। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपको डोर स्विच चेंज करना है तो मैं इसका जो पार्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े या फॉल्टी हो जाए ये बटन तो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।